स्वागत है आप सभी का उदय सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में। और पिछले जो वीडियो आए हैं परसेंटेज के, मैंने आपको जितने प्रकार क्वेश्चन थे हर प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया। परसेंटेज के मैंने पार्ट फोर तक हम करवाया, इसमें तरह तरह क्वेश्चन थे, सब आपने देखा, आपने पढ़ा सीखा। और कोई समस्या हो तो बताइएगा आपको क्लास में। लेकिन अब जो हमका नया चैप्टर, क्योंकि मैंने परसेंटेज आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो अब समय एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लास्ट में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको मैंने हर प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो आज नया चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, जस्ट उसके आगे लाभ एंड हानि। तो लाभ एंड हानि यानी लाभ एवं हानि मैं शुरू करने जा रहा हूँ, एकदम जीरो से शुरू किया जाएगा, मतलब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला आपके लिए। चलो देखिए लाभ एवं हानि। तो सबसे पहले लाभ हानि में जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ता है इसमें क्या क्रय मूल्य। पहला जो आपको नॉलेज किस बात का लेना है, क्रय मूल्य का क्या होता है आखिर, क्रय मूल्य पहले तो जानना ना कि क्रय मूल्य होता क्या है। जैसे क्रय मूल्य को हम क्या कह सकते हैं, खरीदना। जैसे मैंने कह दिया चाक, मैंने कहा इस चाक को मैंने किसी व्यक्ति से, एक बात कर रहा हूं, मैंने कहा किसी व्यक्ति से मैंने इसे 1 रुपए में खरीदा, तो मेरे लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। मैंने कहा किसी वस्तु को मैंने खरीदा तो क्या हुआ मेरे लिए, क्रय मूल्य हुआ। तो लिखेंगे जिस, यानी जिस मूल्य पर, सिंपल है, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाए, खरीदी जाए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाए, खरीद जाए। देखिए मैंने क्या बताया था, खरीद मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदेंगे वही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ क्या मैं लिख रहा हूँ, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह क्या कहलाता है, वह मूल्य कैसा मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। अब तो आप जान गए होंगे क्रय मूल्य होता है। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने दुकानदार से 4 रुपए का मान लीजिए कलम खरीदा, खरीदा ना, तो खरीदा मैंने खरीदा तो मेरे लिए जो 4 रुपए क्या हुआ, क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने खरीदा, ठीक है। तो खरीद मूल्य को ही हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। तो स्पष्ट हो गया, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। चलिए क्रय मूल्य से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो फिर क्या आता है, विक्रय मूल्य। देखिए बेस को जानना अति आवश्यक है। अभी आप कहेंगे क्या है बताया जरा, सवाल होना चाहिए तुम्हें, तो ऐसा नहीं, पहले आप बेसिक छोटी छोटी बातों को जान लीजिए, फिर सवाल दूसरा मैंने परसेंटेज में हल करवाया, तरह तरह के हर टाइप के, वैसे मैं इसमें भी हल करवा दूंगा। चलिए विक्रय मूल्य में आ जाते हैं, क्या होता है विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य मतलब था खरीद वाला, अब विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला। जैसे मैं कहूँ मैंने दुकानदार से 5 रुपए का बिस्किट खरीदा, मैंने खरीदा, फिर कहूं मैंने 6 रुपए उसे बेच दिया किसी व्यक्ति को, तो जो 6 रुपया क्या हुआ मेरे लिए, विक्रय मूल्य हुआ ना। मैंने 5 रुपए में बिस्किट खरीदा था और मैंने 6 रुपए में किसी को बेच दिया, तो जो 6 रुपए हुआ क्या हुआ, विक्रय मूल्य, मैंने जितना बेचा हो मेरा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब है बेचने वाला मूल्य, ठीक है, कितने में आप बेच रहे हो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लिखेंगे जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई भी, या चलिए ध्यान दीजिए, कोई वस्तु, ऐसे लीजिए और अच्छा लगेगा। अच्छा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होती है, बेची जाती है। देखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस तरह से अब विक्रय मूल्य स्पष्ट हो गया आपको, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखूं, मैं कह दूं, अब आप छात्र कुछ बताइएगा कौन सा क्रय होगा कौन सा विक्रय होगा, बहुत ज्ञान मिला हूं।
मतलब कंफर्मेशन कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए यहाँ। चलिए मैं कह दूं कि कोई वस्तु, कोई बस मैं आपको त्रिकोण विक्रम छाटना है, कोई वस्तु पांच रुपए में खरीद कर, कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेची गई, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कह दूं कि आप बताइए कौन सा मूल्य क्रय है और कौन सा मूल्य विक्रय है, तो आप क्या बताएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, क्रय मूल्य मतलब जो जिस पर हम खरीद रहे हैं कोई वस्तु वो क्रय मूल्य, और जिस पर बेच रहे हो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखिएगा 5 रुपए में खरीद कर, खरीदा हमने कितने में, 5 रुपया में खरीदा, तो जितने में खरीदा हो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदेंगे वो क्रय मूल्य होगा। अच्छा कितने में बेचे, तो बेचा कितने में हमने, 6 रुपए में। देखिए कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद कर, खरीदा था 5 में तो हो गया क्रय मूल्य, अब बेचा था 6 में तो 6 का हो गया विक्रय मूल्य। अब तो आप नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहा है, अब तो आपको आ गया होगा। और छोटी सी बात थी जो मैंने आपको स्पष्ट कर दी, ठीक है। जिसमें आपने खरीदा इतने रुपए में क्या हुआ, क्रय मूल्य, और जितने में बेचा हो का हो गया विक्रय मूल्य। स्पष्ट हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसकी सारा इसका निकाल सकते हैं, आपने नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके नोट भी कर सकते हैं, सारा निकाल के बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए तो इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आ जाते हैं हम कहाँ, प्रश्नों में, ठीक है। छोटा मोटा प्रश्न शुरू करते हैं उसके बाद, या फिर पहले में लाभ हानि में आपको बता रहे शुरू करते हैं। चलिए अब बारी आ जाती है लाभ और हानि, ठीक है। कब लाभ होता है, कब हानि होता है। चलिए मैंने कहा पहले मैं जानता हूं लाभ क्या है, ठीक है। मैंने कहा पहले जाना जाए लाभ क्या, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा 6 रुपए में कलम खरीद कर, ध्यान दीजिएगा क्रय कितना होगा 6 रुपए। मैंने क्या कहा 6 रुपए में कलम खरीद कर आपने क्या किया, 8 में बेचा, ठीक है। तो ये क्या हुआ विक्रय। अब क्या समझिएगा, 6 रुपए में खरीद के, 6 रुपए में आपने 6 रुपए में कलम खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब आप बताइए घाटा हुआ कि फायदा हुआ, 6 रुपए में खरीद रहे और 8 में बेच रहे, तो सबको पता है 2 रुपया का कहाँ हो गया, फायदा हुआ 2 रुपए का, फायदा हुआ। यही फायदा लाभ कहलाता है, यही फायदा लाभ है, ठीक है। आपने 6 में खरीदा 8 में बेच दिया तो 2 रुपया का फायदा होगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, ठीक है। लाभ कन्फर्म हो गया। अब मैं कहूँ कि हानि क्या होता है, ठीक है, मैं कहूँ कि हानि क्या होता है, तो मैंने एक और एग्जाम्पल मैं कह दूं। जैसे 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदो, कितने में क्रय कितना हो, 4 रुपए में खरीद के, मैं आपसे कह दूं 4 रुपए में आपने खरीदा और मैं कह दूं 3 रुपए में बेच दीजिए, 4 रुपए में खरीद के 3 रुपए में क्या करिए बेच दीजिए। देखिए 4 रुपए में आप खरीद रहे हैं और 3 रुपए में बेच दे रहे हैं, अब बताइए कितने का घाटा लगा, 1 रुपया का लगा ना। 4 रुपए में खरीदे और 3 बेच दिए तो 1 रुपया का हुआ घाटा, लग गया कि नहीं लगा, लग गया 1 रुपए का घाटा लगा। और इसी घाटे को क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं मैंने 200 रुपए कोई वस्तु खरीदी और 199 में बेच दिया तो 1 रुपए घाटा लगा, तो यही घाटा क्या होता है, हानि होता है। अब आपसे कहा जाए लाभ का फार्मूला क्या होगा, तो लाभ में देखिए इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्रय और विक्रय लाभ ने ही डिफाइन किया था ना, तो लाभ में कौन सा बढ़ा है, क्रय बढ़ा कि विक्रय बढ़ा। तो लाभ वाले में देखेंगे आप, क्रय 6 था, विक्रय कितना था, इस क्वेश्चन में 8 था ना, तो लाभ वाले में विक्रय हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस, यानी घटा देंगे किसको, क्रय मूल्य। स्पष्ट हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, तभी ना पाया था 8 से मैंने 6 घटाया तभी 2 आया था, 6 घटाया तो
यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए हानि में देखिए कौन बड़ा है, जब हानि आया था उसका एग्जांपल मैंने यहाँ रखा था, तो हानि में देखिए क्रय चाहता था विक्रय से, हानि में क्रय बड़ा था, जब हानि आया तो क्रय बड़ा था विक्रय छोटा था, स्पष्ट है ना। तो हानि में क्या किया था मैंने, चार में से तीन घटा दो तब एक आया था, यानी क्रय से विक्रय को हटाया, तो हानि को क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, हानि बराबर होता है, ठीक है। अब आपने जाना लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या जाना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, इतना आपने जान लिया, ठीक है। अभी परसेंटेज में भी आएगा, परसेंटेज हानि आपका, ठीक है। पहले एग्जाम्पल इसमें अगर लगाया जाए, एग्जाम्पल मैं आपसे कह दू, जैसे मैं कह दू दस रुपए में कोई वस्तु खरीद कर, अब ध्यान से समझिएगा, दस रुपए में कोई वस्तु, बड़ी बेसिक चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए जो लगाया जाएगा, ठीक है। दस रुपए में कोई वस्तु खरीद कर ग्यारह रुपए में बेच दिया गया, ठीक है। अब मैं कह दूं लाभ अथवा हानि बताइए, लाभ अथवा क्या बताना आपको, लाभ अथवा हानि बताइए, ये रहा सवाल। अब बताइए क्या करेंगे, दस रुपए में कोई वस्तु खरीद कर ग्यारह रुपए में बेच दिया गया, लाभ अथवा हानि बताइए। पहले तो ये जानना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। लाभ अथवा हानि दोनों ऑप्शन दिया, लाभ हो रहा खान पर नहीं जाने, देखिए दस रुपए में खरीदा गया, मिहाई का हो गया दस रुपए, क्रय मूल्य हुआ ना, जितने में खरीदा क्रय हुआ, अब बेचा कितने में गया ग्यारह रुपए में, अच्छा दस रुपए में खरीद के ग्यारह रुपए बेच दे तो फायदा हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, ठीक है। तो लाभ बराबर हमने क्या लिखा, अब देखिएगा फार्मूला, लाभ बराबर क्या लिखा है, बराबर लगा दीजिए, यहाँ बराबर लगा दीजिए, लाभ बराबर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखा है ना ऊपर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस, यानी घटाना है किसको, क्रय मूल्य को, ये लिखा गया लाभ बराबर, ठीक है। अच्छा अब आप कहेंगे विक्रय मूल्य का समय बता ना, कितने बेचे विक्रय, बेचा कितने ग्यारह में ना, तो विक्रय कितना हो गया आपका 11, अच्छा माइनस घटा विक्रय कितना आपका 10 रुपए है, तो कितना दे देंगे 10 और 11 में से 10 घटाया कितना बचा 1 रुपए, अब 1 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हानि वाले भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हानि वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है, जब हानि होती है तो क्रय ज्यादा होता है विक्रय कम होता है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर परसेंटेज की बात आ जाती है, परसेंटेज में लाभ हानि का फार्मूला क्या होता है, कैसे लगाते हैं, उसको मैं बता के तब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ बड़े बड़े। चलिए पहले देखिए एक और होता है परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है प्रतिशत लाभ का, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है प्रतिशत लाभ का। अब प्रतिशत हानि का क्या होता है, अगर प्रतिशत हानि निकालना हो तो हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये भी एक फार्मूला, ठीक है। जब परसेंटेज आएगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसपे फार्मूला आप ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन क्या करूंगा, सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करें, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसे पार्ट वन चले जाने आपको। अच्छा क्वेश्चन सामने है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान सुनिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है,
इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, पहले तो ये जानना है ना कि लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, पहले जानना है। तो देखिए, क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य, जितना खरीदे वही क्रय मूल्य, जितना में बेचा गया उसका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले तो आप ये जानिए लाभ हो कितना रहा है। जब लाभ हमें पता हो जाएगा तो हम लाभ परसेंटेज भी पता कर लेंगे, स्पष्ट है ना। पहले तो ये जानना लाभ कितना हो रहा है, लाभ जब पता हो जाएगा लाभ परसेंटेज पता करेंगे साथ में लगा के। चलिए पहले तो लाभ पता कर ले, तो आप याद करिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाभ का फार्मूला क्या बताया था आपको, मैंने स्पष्ट बताया था विक्रय मूल्य लाभ बराबर बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्या बताया था क्रय मूल्य। ठीक है, स्पष्ट याद रखिए आप, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी प्रश्न लाभ निकालना, पहले पहले तो जानिए लाभ कितना हो रहा है, तब परसेंटेज लाभ निकलेंगे। चलिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, अभी मूल्य लिखना छोड़ दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, तो विक्रय मूल्य देखिए कितना है, कितना विक्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य कितना है 123.20, नोट कर दीजिए 123.20। ठीक है, अच्छा माइनस क्रय मूल्य कितना आपका 110, तो यहाँ क्या नोट कर देना आपको 110। चलिए घटा लेते हैं, तो देखिए दशमलव लगा दीजिए क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव नहीं आया पर दशमलव यहाँ नहीं है, तो बाकी जो 2 शून्य आप उसको उठा दीजिए। चलो 3 से घटेगा, 3 में से 0 घटेगा कितना बचा 3, 2 में से ये घटेगा कितना बचा 1, और 1 में से ये घटेगा क्या होगा 0। ठीक है, इतना रुपए का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। और याद करिए कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रतिशत लाभ का फार्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया, लाभ गुणे 100/ क्रय मूल्य। ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100/ क्रय मूल्य। चलिए तो देखते हैं कैसे लगता है, लाभ कितना आपका 13.20 है ना लाभ, तो लाभ क्या, देखिए लाभ इतना 13.20, तो लाभ के स्थान पर एरिया काट दीजिए आप, लिख दिया जाए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ के स्थान पर 13.20 गुणे कितना है 100, तो यहाँ 100 को क्या कर देना है उतार देना है, बटे क्रय मूल्य। तो देखते हैं क्रय मूल्य कितना दिया आपका, तो स्पष्ट है क्रय मूल्य 110, तो यहाँ क्या लिख देना है आपको 110। चलिए 0 से 0 क्या होगा, कैसे, अब इसको मत करते हैं, ये नहीं कर सकता क्योंकि दशमलव में पूर्णांक में वर्ष करता है। देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैसे, अच्छा बचा कितना आपके पास 13.20, चलिए गुणा कर लेते हैं सीधे, ठीक है, या काट रहे हैं, चलिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 10 यहाँ 10 बचा है ना, 10 का जब गुणा करेंगे इसमें तो ध्यान दीजिए 132 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक यहाँ पर है तो दशमलव एक अंक किधर आएगा, 132 हो जाएगा, 10 में 0 बचेगा, 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 11। अच्छा 11 से आप कर लीजिए भाग, कर लीजिए भाग, देखिए 11 एक कम 11, ठीक है, हासिल कितना बचा 11 एक कम 11, 2 बचा हासिल इसमें, ठीक है 2 बच गया हासिल में शेष बचा, ठीक है 11 एक कम 11, तो घटाएंगे 13 में से 11 2 बच गया, शेष बोलेंगे उसको शेष, तो 22 जाएगा, और 11 गुना कितना हो जाएगा 22, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 12%। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं।